जनवरी मार्च में दिल्ली एनसीआर के औसत शहर स्तर के कार्यालय का किराया 1% बढ़ गया। भारत स्टॉक के मामले में तीसरा सबसे बड़ा कार्यालय बाजार है। औसत किराए पर प्रति माह 78 रुपए प्रति वर्ग फीट में लगभग 1% की सराहना दर्ज की गई। JLL इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक भगौड़े पर कसी सरकार ने नकेल संपत्ति होगी जब्त। ब्यूरो बैंक से लोन लेकर विदेश भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या जैसे भगौड़े आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने के लिए सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है। DDA ला रहा है नई हाउसिंग स्कीम, 12,000 फ्लैट खरीदने का मौका। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की 12,000 फ्लैटों वाली नई आवास योजना जल्दी आने वाली है। DDA ने इसके लिए सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली है और उप राज्यपाल के पास इसकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेज दिया है। प्रॉपर्टी ब्रोकरेज फर्म री मैक्स इंडिया फ्रेंचाइज इंडिया को 51 करोड़ रुपए का शेयर 60 करोड़ रुपए में बेचा। फ्रेंचाइज इंडिया ने प्रॉपर्टी ब्रोकरेज नेटवर्क RI मैक्स इंडिया से 51% हिस्सेदारी देने के लिए अनुमानित रूप से 60 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया है, क्योंकि ये नई रियल स्टेट कानून के कार्यान्वयन के साथ कारोबार में बड़ा छलांग लगाने की उम्मीद करता है। फ्रेंचाइज इंडिया ने प्रॉपर्टी ब्रोकरेज नेटवर्क RI मैक्स इंडिया को 51% हिस्सेदारी देने के लिए अनुमानित रूप से 60 करोड़ रुपए का अधिग्रहण किया है, क्योंकि यह नई रियल स्टेट कानून के कार्यान्वयन के साथ कारोबार में बड़ा छलांग लगाने की उम्मीद करता है। पंजाब के मुख्यमंत्री कप्तान अमरिंदर सिंह का ये कहना है कि उनकी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबंध है रेरा को सही तरीके से लागू करने के लिए। पंजाब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने यूनियन मिनिस्टर वेंकैया नायडू को यह भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार पूरी मेहनत कर रही है रेरा को सही तरीके से लागू करने के लिए। बुधवार को हुए एक बैठक में यह सारा मुद्दा उठ के सामने आया।